हेलो गाइस, मेरा नाम है रायन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि यूनिक, सस्ती और एकदम तगड़ी वाली टैंक खरीदने के लिए। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक नहीं दो दो बहुत ही खतरनाक वाले टैंक्स में खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये देख लो गाइस, ये एक ऑफ रोड बैटल टैंक है। ये एक कार की तरह भी चल सकती है ऑफ रोड में, और ऊपर की तरफ एक कैनन भी दिया गया। यहाँ से देखो वाटर बॉल्स को ये शूट कर सकती है। दूसरी वाली टैंक जो है ना भाई, ये एकदम गजब की है। इसके अंदर दो दो टैंक्स मिलते हैं। देखो गाइस, ये एक टैंक है, ये एक टैंक है। इसका नाम है मैक चैरियट टैंक्स। इसके अंदर लेजर सिस्टम भी लगा हुआ है। आज और भी बहुत सारी टैंक्स है मेरे पास। ये भी देखो बहुत ही सस्ती वाली टैंक है। ये एक फाइटिंग टैंक है, बहुत ही ज्यादा रगड़, बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली है। ये सभी के सभी वाटर बॉल्स को शूट कर सकते हैं और ऑफ रोड में भी चल सकते हैं। चलो गाइस, फटाफट से इन सभी को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी सस्ती वाली टैंक जीतती है। लेट्स स्टार्ट। बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके यहाँ पे मेन फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को बाहर। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। यार बहुत ही अच्छा रिमोट मेरे को लग रहा है। ये इसकी स्टीयरिंग है, ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है। पैकिंग काफी ज्यादा बढ़िया मेरे को लग रही है। ये एक कार है जो कि ऑफ रोड में बहुत तगड़े तरीके से चल सकती है। काफी बड़े साइज के दिए गए हैं। सामने भी मोटर है, पीछे की तरफ भी मोटर दी गई है, यानी कि ये फोर व्हील ड्राइव है। ये है इसका कैनन। देखो ये कैनन इसके ऊपर फिट करेंगे तो ये कम्प्लीटली ऑफ रोड टैंक बन जाएगी। ये कैनन यहाँ पे लग जाएगा तो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक वॉच भी दी गई है। भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। देखो ये वॉच को अपने हाथ पे हम लोग बांध के ये वॉच से भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी ये क्या चीज़ है मेरे को समझ आया नहीं गाइस, पता नहीं इसको कहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे इसके वाटर बुलेट्स है। पहले ये बुलेट्स पानी के अंदर डाल के रखना पड़ता है, उसके बाद इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अंदर देखो इस तरह के वाटर बुलेट्स मैंने स्टोर करके रखे थे ऑलरेडी। ये बुलेट्स कैनन के अंदर डालना पड़ता है, तो यहाँ से ये फायर भी कर सकता है। बुलेट्स डाल देते हैं। ये इसके वाटर बुलेट्स हैं, बहुत सारे वाटर बुलेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये सभी टैंक्स लेकर वापस से मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि अचानक से बाहर मौसम खराब हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा वाला टैंक अनबॉक्स करूंगा। ये टैंक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट होने वाला है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के दो दो रिमोट्स भी मिलते हैं इसको चलाने के लिए। तो फटाफट से इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक भी कर देना। यहाँ पे देख सकते हो दो रिमोट्स है सेपरेटली, और दोनों टैंक्स है। ये जो टैंक है रेड एंड ब्लैक कलर का है। और टैंक की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो गाइस बहुत ज्यादा सॉलिड मेरे को लग रहा है। ये दोनों के अंदर इंफ्रारेड लाइट आपको देखने को मिल जाती है। गेम खेलते वक्त जो भी पहली बार यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट मारेगा तो वो विनर होगा ये गेम के अंदर। पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स है। यहाँ पे इसका स्प्रे सिस्टम भी लगा हुआ है। नीचे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। अब यहाँ पे दो दो रिमोट है, एक रिमोट निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखो इसके अंदर स्प्रे सिस्टम दिया गया है, इस वजह से इसके अंदर पानी भी डालना पड़ता है। पानी डालने के लिए इस तरह की एक छोटी सी बॉटल भी दी गई है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। रिमोट काफी ज्यादा बड़े साइज का है, बहुत सारे बटन्स इसके अंदर दिए गए हैं। और ये टैंक को आप अलग अलग डायरेक्शन में भी चला सकते हो, जैसे कि देख सकते हो अलग अलग डायरेक्शन के यहाँ पे बटन्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। सेम साइज भी है, सेम कलर का भी दिया गया है। तो रिमोट के कलर थोड़े से ये लोगों को डिफरेंट देना चाहिए था यार। तो गाइस बाहर देखो बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी। यहाँ पे सभी टैंक्स को मैं लेके आ चुका हूँ। आज इनको खतरनाक तरीके से इंडोर में टेस्ट करेंगे। देखते हैं गाइस इन सब में से कौन सा टैंक है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो सबसे पहले ये लेजर टैंक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये लेजर टैंक किस तरीके से काम करते हैं, इनको पहले चलाते हैं। तो ये दोनों ही टैंक्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही चलती हैं। तो अब मैं आपको येलो कलर की टैंक एक बार चला के दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ऐसे लग रहा है कि भाई ये स्लाइड करती हुई चल रही है। यहाँ पे इसका बूस्टर का बटन है, इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया है इसका बूस्टर ऑन हो चुका है। इसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि गाइस ये आग फेंक रही है। देखो इतना ज्यादा ब्राइट, इतना ज्यादा कमाल का बूस्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई आरसी कार या फिर आरसी टैंक के अंदर। भाई मजा आ गया मेरे को तो इसका बूस्टर देख के। तो अब ये जो टैंक है इसको आप साइड बाय साइड में भी चला सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में भी चला सकते हो। यहाँ तक कि देखो गाइस एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा देखो इसके सिर्फ फ्रंट व्हील जो है वो काम करते हैं। इसी से ही आप इसको सिर्फ टू व्हील ड्राइव सिस्टम पे भी चला सकते हो। अब यहाँ पे एक और बटन है, इसको मैं प्रेस करूंगा ना तो आप देख लो गाइस इसके अंदर भाई एकदम गजब हो जाएगा। यहाँ पे अब इसका इंफ्रारेड सिस्टम काम करने लगा। ये बटन दबाने पे इसके पीछे के व्हील्स काम करते हैं, यानी कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव
5 पे भी आप इसको चाहे तो चला सकते हो। इसके अंदर प्रोग्रामिंग का भी बटन दिया गया है, प्रोग्रामिंग दबा के आप कोई भी इसको कमांड दोगे तो ये अपने आप ही काम भी करने लगेगी। इसके अंदर तकरीबन 30 कमांड्स दे सकते हो, इससे ये जो टैंक है ऑटोमेटिक तरीके से भी काम करती है। अब ये दोनों टैंक्स की आमने सामने वाली फाइट कराएंगे। इन दोनों के अंदर इंफ्रारेड लाइट दी गई है, तो इंफ्रारेड लाइट को तो जो आप आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि रिमोट के अंदर लाइट होती है ना, उसी तरह की इसके अंदर इंफ्रारेड लाइट दी गई है। देखो इन दोनों में से जो भी टैंक आएगा उसकी लाइट जो है रेड कलर की हो जाएगी। ये जो रेड कलर की टैंक है येलो कलर की टैंक के ऊपर बहुत सारा इंफ्रारेड फायर कर चुकी है, इस वजह से आप देख सकते हो येलो कलर की जो टैंक के अंदर लाइट दी गई है ये कम्प्लीटली रेड कलर की ब्लिंक होने लगी है। अब मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी चल नहीं रही है क्योंकि ये गेम से बाहर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये रेड कलर की टैंक आप देख सकते हो बहुत स्मूथली अभी भी काम कर रही है। अब ऑफ रोड बैटल टैंक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसका जो जायरो वॉच है इसे मैं आपको कंट्रोल करके बता देता हूँ। देखो अगर मैं अपना हाथ लेफ्ट को कर रहा हूँ तो लेफ्ट को टर्न हो रही है, राइट को कर रहा हूँ तो राइट को टर्न हो रही है। इसको मैं कोई भी डायरेक्शन में अपने हैंड के जेस्चर से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक ठाक तरीके से चल रही है, पर रिमोट से चलाने में और भी ज्यादा मजा आता है। ये टैंक काफी ज्यादा बड़े साइज की होने के कारण इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा दिया गया है। जब मैंने इसका कैनन टेस्ट किया ना यार, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ मैं, क्योंकि यार इसके कैनन में से प्रॉपर तरीके से ये जो वाटर बॉल्स हैं निकल ही नहीं रहते। अब देखते हैं TK100 टैंक किस तरीके से काम करती है। इसके साथ भी जायरो सेंसर वाली वॉच दी गई है। ये वॉच से भी देखो इसको मैं बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूं और इसको चलाने में भाई बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इसके रिमोट से भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसके अंदर वाटर बॉल्स लोड करके बताता हूं। देखो गाइस इसके अंदर बहुत सारे वाटर बॉल्स को हम लोग लोड कर सकते हैं, तकरीबन 150 से 200 वाटर बॉल्स इसके अंदर एक बार आप लोड कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्च का बटन दिया गया है, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये इतनी धड़ाधड़ तरीके से फायर करती है कि भाई इसके बुलेट्स तक नजर नहीं आते हैं। इसके अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है गाइस, देखो जब हम फायर करते हैं तो इसके वाटर बुलेट जो है ना फटते नहीं है। दूसरे टैंक के अंदर मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं जैसे ही फायर करूंगा तो उसके अंदर जो वाटर बुलेट्स है वो फट जाएंगे। बाकी गाइस ये जो टैंक है बिल्कुल रियल टैंक में होता है ना, उसी तरह का बेल्ट दिया गया, इस वजह से जब ये चलती है तो बिल्कुल रियल टैंक जैसी ही दिखाई देती है। अब मैं फाइटर टैंक को टेस्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहले वाटर बॉल्स को लोड करेंगे गाइस। यहाँ पे इसका कंपार्टमेंट है, फटाफट तरीके से देखो यार, इसके अंदर आप तकरीबन 300 से 400 वाटर बॉल्स तक लोड कर सकते हो एक बार में। देखो पूरी की पूरी डिब्बी खाली कर दी यार इसके अंदर मैंने, क्योंकि इसका कंपार्टमेंट काफी बड़े साइज का दिया गया है। अब यहाँ से शूट करके भी बता देता हूँ, देखो गाइस ये फटाफट तरीके से शूट करता है, आपको एक बुलेट भी प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगी। अब देखो मैं आपको स्लो मोशन में बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इसके अंदर से जैसे ही वाटर बॉल शूट होता है तो भाई ये सामने वाले को लगने के बाद एकदम से फट जाता है। ये इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से वाटर बॉल्स को फायर करता है। अब ये दोनों टैंक्स के कैनन की पावर टेस्ट करते हैं गाइस। देखते हैं किसका कैनन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इनके सामने मैंने ढेर सारे ग्लासेस जमा दिए हैं, देखते हैं गाइस कितने वाटर बॉल्स में कौन सी टैंक सबसे पहले इन ग्लासेस को गिरा पाती है। सबसे पहले TK100 टैंक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो गाइस धड़ाधड़ तरीके से ये वाटर बॉल्स को शूट कर रही है ग्लासेस के ऊपर, पर ये जो ग्लास है यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। अब धीरे धीरे करके पीछे हटने लगा है ग्लास। अभी तक मैंने 30 से 40 बुलेट तक फायर कर दिया, उसके बाद में देखो ये ग्लासेस नीचे गिरे हैं, पावर जो है मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है। अब सेम टेस्ट फाइटर टैंक के साथ भी मैं करने वाला हूं। अभी तक मैंने 3-4 वाटर बॉल्स को ही फायर किया था गाइस, देखो उतने में ही सारे के सारे ग्लासेस गिर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि फाइटर टैंक के वाटर बॉल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले रेस कराते हैं ये दोनों टैंक्स में से, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सा टैंक है सबसे ज्यादा तेज। यहाँ पे दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, क्लियरली इंफ्रारेड टैंक बहुत ज्यादा तेज मेरे को लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ TK100 टैंक की स्पीड बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इसके अंदर बेल्ट सिस्टम दिया गया है। लेजर टैंक तो काफी ज्यादा फास्ट निकली यार, अब इसकी रेस कराते हैं ये बड़ी सी 2-in-1 टैंक के साथ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने रेस को स्टार्ट किया है दोनों की स्पीड मेरे को उतनी ही लग रही थी, पर बैटल टैंक की स्पीड इंफ्रारेड टैंक से थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। अब ये 2-in-1 बड़ी वाली टैंक तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकली यार, अब इसकी मैं रेस कराऊंगा इसके साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम कड़ा मुकाबला चल रहा था, उतने में ही देखो यार बैटल टैंक की स्पीड अचानक से बढ़ चुकी है और ये रेस को बहुत आराम से जीत चुका है। तो ये जो टैंक है बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, अब इन दोनों के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन सी टैंक है सबसे ज्यादा ताकतवर। यहाँ पे देखो दोनों ही टैंक्स बहुत ज्यादा रगड़ है, जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में मैंने टक्कर लगाई है फाइटर टैंक ने उठा के पटक दिया है बैटल टैंक को, क्लियरली यहाँ पे फाइटर टैंक जीत चुका है पुशबैक में। कराते हैं इन दोनों टैंक्स के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी टैंक है सबसे ज्यादा पावरफुल।
टक्कर तो बहुत जोरदार हुई है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे बैटल टैंक ने धीरे धीरे करके इंफ्रारेड टैंक को पीछे ढकेलना चालू कर दिया। इंफ्रारेड टैंक थोड़ी सी कमजोर मेरे को लग रही है और ये हार चुकी है। अब होगी गाइस ये दोनों टैंक्स के बीच में घमासान सी फाइट, देखते हैं टग ऑफ वॉर में दोनों में से कौन जीतता है। अब ये दोनों टैंक्स के व्हील्स काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रिप मिलेगी वो आराम से जीत जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। टीके 100 टैंक के अंदर बेल्ट सिस्टम दिया गया और इसका बेल्ट कम्प्लीटली रबर का होने के कारण इसको यहाँ पे स्मूथ सर्फेस पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है, इस वजह से फाइटर टैंक को अपनी तरफ खींच लिया है। टीके 100 टैंक जीत चुका है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतने ढेर सारे टैंक्स में से कौन सा टैंक अच्छा लगा। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है धर्मवीर, युवराज, उमेश, दिव्यांश, साकिब, यशपाल, अनिर्बन, राजेश, सुमित, प्रवीण। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।